कई ज्वलंत मुद्दे इस वक्त बिहार के सियासत में है। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि बिहार में जो बहुसंख्यक है यानी कि हिंदू खतरे में है, वहीं कुढ़नी में आज मतदान किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कई मुद्दों के साथ आज हमारे बीच आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या वाकई में बिहार में और देश के अंदर बहुसंख्यक आबादी खतरे में है। सर, देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी तो ये उनका USP ही है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर वो राजनीति में अपनी जगह को बनाई है 50 वर्षों में। ये उनका USP है कि हिंदू और मुस्लिम की बात करके सत्ता में बने रहना, ये उनका USP है। उस आधार पर वो अब इन बातों को रखती है और रखती रहेगी भविष्य में भी, क्योंकि अपने USP को छोड़ करके वो चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नास्तनाबूत हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि इन मुद्दों पर इस तरह की बात कहना उनका जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चुनाव जब भी आता है तो इस तरीके के बयानबाजी निकलते हैं, कुढ़नी में भी आज मतदान हो रहा है। देखिए, जहाँ तक कुढ़नी मतदान की बात आप चर्चा कर रहे हैं तो आज तो मतदान का दिन है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है अभी महागठबंधन को, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी की अग्नि परीक्षा कही जाए, क्योंकि यही जो है 24 के और 25 के भविष्य को तय करेगा, यही इसका आईना होगा। क्योंकि जिस तरह से अगर हम पिछले उपचुनाव की चर्चा थोड़ी कर लें तो आप देखिएगा गोपालगंज में जिस तरह से ये लोग धोखा खाए, ये लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे कि हम लोग वहाँ से भी निकल रहे हैं, वहाँ से भी उनकी जीत हो रही है। लेकिन वो जिस तरह से धोखा खाए, वहाँ पर ओवैसी की पार्टी और वहाँ पर और जाधव का वोट का जो वहाँ पर कटा और उससे बटा वोट, तो उसका परिणाम जो सामने उभर के आया कि गोपालगंज में महागठबंधन हार गई। ऐसी परिस्थिति में एक भय सा माहौल जरूर बना हुआ है आज कुढ़नी में कि होगा क्या, क्योंकि जनता के मूड को होता है क्या कि नेता आपस में जरूर गठबंधन कर लेते हैं लेकिन नीचे स्तर पर जो आपसी जो विचार है, जो जिस दल से जुड़े हुए हैं उस दल से एकाएक एक साथ हो जाना, ये एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है कि लोग मेंटली उसमें समावेश कर लें, ये मुश्किल प्रक्रिया है। इस आधार पर उसको एक साथ लाना, चूंकि बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है, इसका परिणाम तो इसलिए संशय में सभी लोग कि आखिर होगा क्या। तो ये तो इस चुनाव में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वोट काटने के लिए तो फिर कई पार्टियां खड़ी हो गई है। आप लोगों के पार्टी का एक लाइन है कि जाति पर मत करो मतदान, यही है हर चीज़ का समाधान। तो क्या लगता है ये जातीय समीकरण जो इस वक्त कुढ़नी में है ये ध्वस्त होगा? देखिए, जातीय समीकरण को बचा के रखने के लिए सभी दल काम कर रहे हैं और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हमेशा एक चीज़ कही है, जाति पर मत करना मतदान सारी समस्याओं का यही निदान। क्योंकि जब तक समाज इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेगा तब तक जो सही व्यक्ति हैं उसका चुनाव नहीं हो सकता है। और इसका दुष्परिणाम आज तक जो 30 वर्ष में जो परिस्थिति सामने आई है वो उसका मुख्य कारण यही है कि आज कहने के लिए सभी लोग कह रहे हैं कि हम हर चीज़ में पीछे हैं और बेरोजगारी यहाँ पर से युवक बेरोजगार हो करके दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, कोई दूसरे राज्य के युवक यहाँ आके काम नहीं कर रहे हैं। हर परिस्थिति में बिहार पीछे चल रहा है। इसका मुख्य कारण सिर्फ यही है कि जातीय आधार पर जब तक मतदान होगा इस राज्य में तब तक यहाँ का रोजगार बेरोजगारी बनी रहेगी, यहाँ के युवा पीछे रहेंगे और यहाँ हर समस्या यहाँ बिहार में रहेगी। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय नारा दिया कि जाति पर मत करना मतदान सारी समस्याओं का यही निदान। आपके पार्टी के एजेंडे पर हमने बात की, आपके पार्टी का एक कार्यक्रम था उसे भी स्थगित किया गया है, समय आगे बढ़ाया गया है। ऐसा है कि ये अभी जो ये नगर निकाय का चुनाव है, ये इस चुनाव को 18 और 28 तारीख दिसंबर में रखने से हमारे पार्टी के बहुत पदाधिकारी और बहुत कार्यकर्ता इस चुनाव में शामिल हैं और उसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इस 24 दिसंबर के कार्यक्रम को बढ़ा करके आगे रखने का प्रस्ताव किया है, जिसकी
समय पर इस पर जानकारी दी जाएगी कि उसकी तिथि का जो निर्धारण है ये करके फिर समय पर इसकी जानकारी दी गई। ये हम लोग का पटना प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे, आज राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है, पूरा बिहार और उनके चाहने वाले उनके लिए दुआ कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक लालू जी का सवाल है तो मैं सबसे पहले उन्हें तो इससे शुभकामना दे रहा हूँ कि वो अच्छे तरह से जल्द स्वस्थ हो जाएं, और साथ में कि उनकी जो बच्ची है रोहिणी जी, उन्हें भी शुभकामना दे रहा हूँ कि वो भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि वो किडनी डोनेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज लालू जी को इसलिए लोग जो है जनमानस के नेता मानते हैं क्योंकि उन्होंने पिछड़ों को आवाज़ दिया, उन्होंने खबरदार किया कि खबरदार, जिस दिन उन्होंने खबरदार किया था उस दिन पिछड़ों की आवाज़ उठी थी और बिहार में एक अलग माहौल बना था, और लेकिन उसको संभाल के रखने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह चलनी चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं भूल चूक हुई, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि वो सत्ता से बाहर हुए और 15 वर्ष के बाद जंगल राज का रूप लेकर के नीतीश जी ने राज किया। ये सब चीज़ है, और खैर वो तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके परिवार के साथ है, उनके साथ है और उनकी बच्ची के साथ है। देखिए, निश्चित तौर पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी को आप सुन रहे थे। आज लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन है, ऐसे में उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही कोढ़नी चुनाव पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पूर्व में हुए उपचुनाव के परिणाम नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी की तरह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस वक्त देश में बहुसंख्यक आबादी को लेकर कह रहे हैं कि खतरे में है, उस पार्टी का अस्तित्व ही हिंदू मुस्लिम करना है और वही उसकी सबसे बड़ी USP है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।